Hey guys, what's up? कैसे हो आप सभी लोग? Welcome back to new vlog. हाँ, YouTube वाला vlog बन रहा है. तो यार guys, इधर चेक करो, दीदी बर्तन मांजते हुए. हाँ, अंदर करूँगा. तो हाँ, और रिया क्या नाम है? दीदी तू काम वाली तो है. तो आज हम जा रहे हैं कैची धाम, मतलब अभी निकल रहे हैं यहाँ से. तो है बहाना, कहीं जाना तो कहीं और है. मतलब नैनीताल के लिए निकल रहे हैं हम इस समय. लास्ट टाइम मैं गया था तो मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि उस समय मेरा कुछ अलग ही वो चल रहा था, स्टेट ऑफ माइंड. और मैं आज इतने टाइम बाद व्लॉग बनाने जा रहा हूँ. तो कमेंट करके बताना कि मतलब मेरा पूरा अटायर, पूरा आउटफिट कैसा लग रहा है. कुछ ऐसे फूल पत्ती पहनी हुई है मैंने, और नीचे ब्लैक ट्राउजर. बाल भी कर लिए हैं ठीक ठाक, चलते हैं. इस बार हम बहुत ज्यादा घूमे हैं ना भैया इस साल. हाँ, ये 2023 तो मतलब मेरा घूमने में ही निकल गया. हम सबका मेरा हर महीने एक या दो ट्रिप तो निकल ही रही है आराम से. हर महीने हम घूमने जा रहे हैं, हर महीने. कभी तुम जा रहे हो, कभी हम जा रहे हैं, कभी मम्मी पापा जा रहे हैं. दीदी क्या है सचिन में? सचिन क्या है? सचिन नप्पू सा तो सचिन है. बोलना उस ना. हाँ. क्या कैसा सा है सचिन? पाव भर का सचिन है. क्या उसमें पाव तो मोटा होता है ना, बट पाव मतलब थोड़ा सा. पाव मतलब क्वांटिटी वाला पाव यार. क्वार्टर क्वार्टर वाला, क्वार्टर वाला पाव. ठीक है भाई, ठीक है. तुम तो एकदम रिया दिमाग से गलीच हो. एकदम आपकी तरह नहीं, एकदम अपनी तरह. एकदम आपकी तरह. मैं अपनी तरह. आप भी हो. 11:30 हो गए हैं, अब निकल रहे हैं. इतना इतना लेट हो गए निकलते निकलते. आओ दिखाओ. आवी मंथन कहाँ पहुंच भी गई? गोलू भैया आप नीचे. अच्छा ऊपर है अभी तो मंथन. एक दिन के ट्रिप के लिए भी इतना बड़ा लेके जा रहे, बताओ. चुप रहो, मेरा चार दिन का था. बहुत बड़ा बैग थोड़ी है, तो छोटा सा बैग है. अरे इसमें इसमें कुछ है नहीं. दिखा इधर, दिखा यार. ये लोग तो मानते ही नहीं है. समझ गए, हम समझ गए. ये क्या है? ये तौलिया है. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. एक कपड़ा है बस. ठीक है, ठीक है. हाँ नहीं तो ये लोग ना. गाइस मंथन हमारा कोड लैंग्वेज है. चलो रिया जारू. ये दबा दियो ठीक है. और लॉक कर दियो बाइक वाइक अंदर करनी. देना फोन देना. चलो बाय बाय. चलो मंथन चल रहे फिर से. चलो यहाँ से सब लोग रेडी होते हुए. आविया चला जाए. क्या हाल है? फिर दोबारा से आ गए क्या? हाँ, इतने दिनों से छोड़ रखा था. वी आर बैक टू द ट्रैक. ये हमारे अंशु भैया. अंशु भैया इधर देखिए. क्या कह रहे हो? हम जा रहे हैं दोबारा से गोवा. गोवा? हाँ, मेरे टायर से लग रहा है. चलो जी, निकलने की तैयारी हो गई है. क्यों मंथन? मंथन चला जाए. अरे भाई बड़े दिनों बाद है क्या? हाँ. बनाता रहेगा यार, ऐसे मजा नहीं आता. अरे पता क्या हुआ, मैंने क्यों बनाना छोड़ दिया? थोड़ा सा ना लो सा फील होता था कई बार तो. और एकदम से कोई मोटिवेट करने के लिए बताते हैं. मैं हटा यार, यूट्यूब ही तो है. तो भाई तू भगवान के शरण में चला गया. आज हम वैसे रास्ते में भूत दिखाने वाले हैं. सतगड़ा मोटिवेशन का. आज हम रास्ते में दिखाएंगे आपको लाइव भूत. और बाकी आपको सूट भी दिखाएंगे. हमारा नहीं रहना बस हमारे साथ. एक प्रमोशन सूट भी है. सूट बोलो. दोनों भाई आएंगे उसमें. बोला हुआ है मुझे कि भाई आप ले सकते हो किसी बंदे को. और एलवी से यादव का वो 11,000 गाड़ियों का वो जाएगा कुछ सैलाब जैसा. वो जीतेगा ही भाई. बीच वाला बंदा कभी नहीं जीतता. बीच वाला जो आते हैं ना, ऐसा है ना, जो वैसे एंट्री होती है ना, वाइल्ड कार्ड एंट्री. आज तक इतिहास में वो कोई कभी जीता नहीं है बिग बॉस में. लेकिन वो भैया अगर इस बार वो जीता तो मंथन को मेरी तरफ से दो ग्रैंड सैल्यूट. मैं कह रहा हूँ एलवी जी देगा. फिर से मंथन और मेरी हो गई है. मंथन ने पिछली बार तगड़ी है, बट ये है ना कि
दिक्कत यही है कि हाँ वाइल्ड कार्ड कभी जीता नहीं है। वाइल्ड कार्ड आता क्योंकि यार एक महीना उसने तो वो देखा नहीं है, एक महीने बाद वो आया है तो उसके लिए तो बहुत मतलब अलग हो गया ना वो चीजें। उसने जिसने एक महीने पहले से आया हुआ पूरी मेहनत कर रहा है बेचारा तो उसका ज्यादा बनता है। अभिषेक के लिए बुरा लग रहा होगा भैया को, अभिषेक के लिए बुरा लग रहा होगा। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है किधर से चल रहा है, यहाँ से तो निकलो पहले बाहर कहाँ से वो लोग आए नहीं अभी तक। पहले कमेंट करके बताओ बाल कैसे लग रहे हैं। बाल तो सेक्सी लग रहे हैं, एक नंबर लग रहे हैं। चलो और रास्ते में भूत मिलता तो उसकी नहीं, भूत तो पक्का दिखाएंगे आपको हम आज, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। बहुत अच्छा भूत है। और भैया आपका क्या नाम है? प्रदीप। अच्छा आप ही हो गए प्रदीप भैया। चलिए जी, चलो जी मंदिर आ गया, बोलो जय श्री राम। नहीं श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो गाइस आ गए क्या? तो भैया ना एक बात बता रहे थे भूत वाली, जो अभी हम रुद्रपुर के आसपास हैं। कितना दूर है रुद्रपुर तो है ना? तो भाई यहाँ का तो कुछ पता नहीं पर वो रोड दूसरा था। रुको रुको आगे एक बोर्ड आ रहा है, अभी दिखाता हूँ। ये हम लोगों को नैनीताल, नैनीताल बरेली बॉर्डर 241 किलोमीटर अभी दूर है। तो भैया एक कहानी सुना रहे थे, हमने कहा कि भूत वूत दिखा रहे थे भैया आप क्या हुआ आपका, तो भैया कहते हैं एक कहानी बता दो तुम्हें, बताओ भैया। तो भाई हम लोग जा रहे थे लेंस डाउन, आपने सुना होगा उत्तराखंड में पड़ता है, दिल्ली से सबसे नियरेस्ट है वो और बढ़िया है मतलब जगह। तो वहाँ का क्या रूट ऐसा है कि 70 किलोमीटर आप जाओगे उसके बाद आपको अंदर अंदर रोड से गाँव से जाना पड़ेगा। अच्छा। तो भाई गाड़ी मैं ही चला रहा था, बारिश हो रही थी तगड़ी, बारिश तो चलो बंद हो गई पर आगे जाके वैसे गांव वाला रोड आया। अब गांव वाले रोड क्या होता है, दिन में तो बहुत हैपनिंग से दिखते हैं पर रात में उतने भयानक से हो जाते हैं क्योंकि आपको कुछ दिखेगा नहीं, लाइट भी होती कुछ भी नहीं होता। तो क्या हुआ था कि बच्चे वाली गाड़ी होती है ना, छोटे बच्चों की गाड़ी होती है जो प्लास्टिक की गाड़ी ऐसे चलती है, वो ऐसे गई मेरे आगे से, मतलब गाड़ी के आगे से ऐसे निकल के गई जैसे कोई बच्चा गाड़ी लेके निकल रहा है। अब हुआ होगा वहाँ पे कुछ, भाई चार बंदे बैठे थे, मैंने उनको बताया, उन्होंने सुना नहीं, सब भाई अपना माहौल में थे तो उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, बट मेरे तो भाई रोंगटे खड़े हो गए आज भी, उस दिन भी सच्ची में खड़े हो गए, देखो उस दिन भी हो गए थे क्योंकि भाई भाई मुझे तो दिखा था क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था और मैं ड्राइव करते हुए तो मेरे को तो दिखेगा सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो भाई वही बच्चे की गाड़ी निकली, मैंने सबको बताया, किसी ने मानी नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई। फिर मैंने ये सोच लिया कि भाई रात को लेंस डाउन मत जाना, दिन में ही जाओ लेंस डाउन, कभी भी जाना है तो क्या पता ऐसा हो सच्ची हो बच्चा हो, ये सच्ची हो बच्चा, पता क्या होता है कई बार क्या होता है जैसे कोई जा रहे होंगे, कोई फैमिली जा रही होगी, कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई छोटा बच्चा होगा एक्सपायर हो गया होगा, ऐसा हो जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है और ये सब चीजें नॉर्मल है और होता रहता है ये सब चीजें, और कोई वो दिक्कत नहीं थी उन्होंने हमें, वो तो नॉर्मल चीजें वो नहीं है। ऐसा बहुत से रोडों पे और भी देखा गया, और रोडों पे बहुत चीजें ऐसा बहुत से रोडों पे देखा गया है, ऐसा ये नहीं है कि एक एक ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, चलो ठीक है, लेकिन ऐसा और भाई मैं खुद ही गाड़ी चला रहा था, मुझे किसी ने बताया थोड़ी, मैं तो प्रॉपर जब भी जाता हूँ टूर पे गाड़ी से जाता हूँ और हमेशा खुद ही चलाता हूँ ड्राइव, मैं किसी का भरोसा नहीं करता गाड़ी वाड़ी चलाने में, कैन और लेने का समय आता तो ये चीज है। अगले ब्रेक में मिलते हैं। उतरते हुए ये हमारा पहला हॉल्ट है। वो बता रहे थे लेंस डाउन वाली कहानी भूत की। अच्छा ये कौन सी कहानी छिड़ गई? तो चलो इसके बाद मिलते हैं। ये देखो ये देखो कह रहा मैं टॉयलेट करने के बाद हाथ धोने का फॉर्मूला। एक 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 बर्फ से पांच बंदों ने हाथ धो लिए। भाई पानी बचा रहे हम, सेफ वाटर। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, वी आर स्टिल अलाइव। सोए तो नहीं, पीछे देखो अभी तक हम सोता पड़ा हुआ है। हाँ भैया अभी तक हम से सफर काट रहे हैं। किलोमीटर कितना हो गया? 267 हम चला चुके हैं दिल्ली से अभी तक। रात को हम अराउंड 12 बजे के आसपास, 12:30 निकले थे, 12 बजे के आसपास। तो अभी का टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है टाइम देखो
ना हमारे बीच में एक अड़ी फंसी होती है, वो क्या होती है, हम ना वो करते हैं चैलेंज करते हैं आपस में कि हम एस्टिमेटेड कितने टाइम तक पहुंच जाएंगे, किसी को नहीं पता। मैं कुल दो बार, दूसरी बार जा रहा हूँ, एक भैया जो क्या नाम है तीसरी बार जा रहे हैं, बस मतलब एस्टिमेटेड कुछ नहीं पता। हम बस तुक्का मारते हैं कि इस टाइम तक पहुंच जाएंगे, तो मैंने तुक्का मारा है कि हम भाई 10-15 तक पहुंच जाएंगे, भैया ने बोला है 10-11 तक पहुंचेंगे, ओ कितना तक, 11 बजे तक पहुंचेंगे, तो देखते हैं कौन जीतता है। अगर उस टाइम के नियर भाई 15 मिनट मैक्सिमम आसपास होंगे तो बंदा जीत जाएगा। हमारे साथ दो गाड़ियाँ हैं, 8 बंदे हैं, एक एक चीज के लिए कोई कोई रोकेगा, तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम मुझे लगा कि 45 मिनट ही तो फालतू बोले, बाकी खैर ऐसा फर्क नहीं है, मैंने 10-15 बोला, क्योंकि पिछली बार ना हम 9 बजे तक पहुंच गए थे उधर आराम से, हमें हमारा मेन टाइम पता कहाँ लगा था, हमें रेस्टोरेंट नहीं पता था, वो रिजॉर्ट नहीं पता था, मेरा फर्स्ट टाइम है ना, मैंने तो जनरली ऐसे ही बस गेस कर दिया, ठीक है लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा टाइम, क्योंकि मैं गया हूँ कहीं भी आस पास भी गया हूँ, पर मुझे दोस्तों यारों के साथ टाइम लग ही जाता है, क्योंकि 10 बार रुकवाते हैं कभी कुछ। ये तो खैर सही चल रहा है, काफी देर से नहीं रुक रहा, बहुत कम रुक रहा है इस बार, नहीं तो बार बार रोके रुकना पड़ रहा था, वो फिर मजा नहीं आता है, फिर मेरे को ना मेरा रिदम टूटता है, मुझे चाहिए कि एक बार में 100-200 किलोमीटर तो खींचनी है, फिर उसके बाद रोक लो आधे घंटे, खैर कोई दिक्कत नहीं है, इंसान है टॉयलेट में जाएगा सब कुछ करेगा, खाएगा पिएगा सब चीजें। अभी के लिए तो भाई मौसम बढ़िया है एकदम, मौसम एक नंबर का लग रहा है यार, कि पहाड़ों पे तो ऑब्वियसली बढ़िया ही होता है। अब मजा है कि लोग मतलब पहाड़ों के लिए रात में क्यों निकलते हैं, पहले मुझे समझ नहीं आता था, पहले जब मैं गाड़ी नहीं चलाता था, बहुत हिल जा रहा हाई टेन वाला, तो पहले जैसे जब मैं छोटा था जब मेरे को पता नहीं था कि बंदे रात में क्यों निकलते हैं यार, मतलब जिसका भी प्लान सुनो सब रात में स्टोरी डलती है, रात में सब कुछ होता है, हिल्स कॉलिंग ये वो, मैं समझ नहीं आता इस व्यू के लिए बंदे निकलते थे। सुबह का जो मौसम और रात में ट्रैफिक का भी काफी फर्क होता है, दिन में नहीं होता, हालांकि दिन की ड्राइव थोड़ी सी बेटर रहती है रात से, क्योंकि यार नींद वींद का भी चक्कर होता है, या तो इंसान ही नींद आ सकती है तो वो फिर गलत भी हो सकता है। तुमने देख रहा होगा वो जो कैसा ट्रक वो हो गया था एक्सीडेंट उसका, मतलब सुना तो नहीं होगा लेकिन हमने सुना था, एकदम हुआ आई थी बोनट उसको लगा डिवाइडर में लगा, बट सब नींद का चक्कर है, नींद के चक्कर में हुआ है, अगर वो बंदा दिन में चल रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी उनकी भी गलती नहीं है भाई, उनको एंट्री इसी टाइम मिलती है, रात में मिलती है, दिन की नो एंट्री होती है ऑलमोस्ट सब जगह, तो ये भी उनकी भी फॉल्ट नहीं है, क्या करें, फिर उनको भी आउटर से निकालना पड़ता, सब समझते भाई अब मर देना चलो भाई, बाकी हमारी गाड़ी फुल फ्लो में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारी दूसरी गाड़ी भी फ्लो में खींच रही है एकदम, टाइम का पूरा उपयोग किया जा रहा है, देखते हैं, कोशिश तो यही है कि 11 बजे पहुंचे, बाकी 10-15 बजे पहुंचेंगे बाकी भाई देखते हैं, जो भी जीतेगा आपको बता दिया जाएगा, अपडेट रहेगी साथ साथ, अपडेट मिल जाएगी आपको दोनों भाइयों में से जो जीतता है, बाकी सोने वाले सो रहे हैं पीछे, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त नींद हो रही है, इनको लग रहा है घर पे ही है और इनको पता चलेगा कि हम नए साल पहुंच गए सीधा। भाई गाना एक नंबर, मेरी उम्र बीत गई गोवे, सुबह सुबह ही सुनने को मिल गया वो, और क्या चाहिए, चलो जी जय श्री श्याम। सही है स्कॉर्पियो का, तो लंबी चौड़ी ऐसा बंदा लेके जाए, चार बंदे बोले आ भाई गाड़ी लेके आया है लड़का, महंगी नहीं है और इतनी महंगी भी नहीं है गाड़ी, है स्कॉर्पियो ही, गाड़ी फॉर्च्यूनर है, ठीक है रेट भी तो है 60-70 lakh-65 lakh रुपए, ये 20 lakh में मिल रही है टॉप मॉडल, पता क्या दिक्कत है यार, देखो जी एक बार उठ के चौड़े में जा रहे हैं एकदम बढ़िया गाड़ी, हमने वो पेडल वा रखा था पीछे, फर्स्ट क्लास गाड़ी में जो मेरे को सही लगती है, चेक करना सॉरी फॉर थिंग, और काली रंग में अलग ही बवाल लगती है, स्कॉर्पियो है तगड़ी, अगर ब्लैक बार बार में नहीं मजा, क्योंकि भाई लेडीजों के लिए ठीक नहीं है, और वो गाड़ी नहीं है जो फैमिली को लेके ना चल सके, तो स्कॉर्पियो ठीक है, चारों दरवाजे अपना लेडीज से भी तरीके से बैठती हैं और सही है बढ़िया,
डोरा पूरा बढ़िया तोड़ा, देखने की भी बढ़िया, रेट भी बढ़िया, सब चीजों बढ़िया। और स्कॉर्पियो एन? अब यार मैंने इतना देखा नहीं, देख मैं वैसे स्कॉर्पियो मुझे पसंद है, स्कॉर्पियो बढ़िया गाड़ी है, रेट वेट के हिसाब से मतलब सारी चीजों में ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सही है। थार भी बढ़िया है, देख वो लोंडे लगा लेकिन वो चार बंदों के लिए है, एक्स्ट्रा गाड़ी आप रख सकते हो अपने शौक के लिए, सिटी विटी में घूमना है ना, बट अगर आपको फैमिली भी, भाई देख फैमिली तो ऑब्वियस सबकी होती है, तो उस हिसाब से रखनी है तो स्कॉर्पियो सही लगती है। तो आपकी फैमिली में बस चार बंदे ना तब आप ले सकते हो, फिर भी उसमें यार देख इशू है सीट आगे करके फिर आपको बैठना पड़ता है, वो दिक्कत तो देता ही है लेडीजों को। और एक बार और सोचो, एक बात और सोचो कि जैसे पीछे कोई बैठा है और एकदम उसको उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी करनी है उसको, खिड़की भी नहीं खोल सकते, खिड़की भी नहीं खोल सकते, आपको रोकनी पड़ेगी साइड में, प्रॉपर उतारना पड़ेगा, पन्नी दे, पन्नी पकड़ा दे पीछे वाले ने, वो पन्नी में कर ले फिर पन्नी फेंको। लेकिन फिर बस वही है, थोड़े से डिसएडवांटेज है लेकिन फायदे भी है। एक XUV 300 भी बढ़िया लगती है, वो नई वाली जो आई है छोटी कॉम्पैक्ट, वो बढ़िया लगती है, आपके काम आ जाएगा, आप डेली पहाड़ पे तो जाओगे नहीं, तो इसलिए आप थोड़ा दिमाग से सोचेंगे तो आपको जरूरत नहीं है कि आप थार ले, लोंडे लपाड़े हैं आपके पास दो गाड़ियों का ऑप्शन है तो आप थार ले सकते हो, तो थार से बढ़िया कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास एक ही गाड़ी का ऑप्शन है और आपको बड़ी फैमिली है तो आपके पास स्कॉर्पियो बढ़िया है, स्कॉर्पियो का टोरा भी बढ़िया है और गाड़ी भी बढ़िया है। आप हम बहुत पास हैं हल्द्वानी के, अभी तक नहीं है, गाड़ियां चिपका चिपका के लगा रखी है। चलो जी एक और स्टॉप है, स्टॉप पे आए हैं नारायण अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा अगर किसी को होते डरा जाना, यहाँ पे जीप भी खड़ी है, यूपी से ट्रोमा होगा नहीं है हमारे ब्लॉग देखने के बाद। तो गाइस टाइम क्या हो गया, 7:10 हो गए और चश्मा पुट ऑन कर लिया है, ऊपर देखो यार, ओए होए इसलिए तो आते हैं इधर। हाँ मंदन, हाँ जी निकले आप सनरूफ से, बढ़िया निकले, मजा आ गया, पर अब मन भर गया एक ही बार का क्रेज था वो हमने पूरा कर लिया, तो पूरी नींद उड़ जाती है एक बारी में, आग पूरी खुल जाती है ऐसे करके। लेट भी आए हैं यानी तो ना मॉल बन नहीं पाया। अब आपको क्या लगता है कितने बजे तक पहुंचेंगे? अब कितना टाइम हुआ है? अभी 7:10 हो रहे हैं, 7:11 हो गए, ज्यादा से ज्यादा 9:30 मैंने 10:15 का टाइम दिया है। चलो भाई शिष्टा दूसरे वाली है भाई, चाय और रस का ब्रेक चल रहा है। मेरे पापा ना घर से बाहर फेंक देंगे। क्यों भैया? पसंद नहीं है उनको। क्या? गिलसिया। चलो जी। भाई बादल आ गए, ओ पहाड़ आ गए। बादल इम्पोर्टेंट है, याद है जाकिर का डायलॉग यहाँ से क्या था? वो पता नहीं क्या बोलता है, प्लेन में जा रहा था एक बार, लड़की ने बोला मैं यहाँ बैठ जाऊँ विंडो सीट पे, उसने बोला नहीं बादल इम्पोर्टेंट है। और बाकी यार तुम कमेंट करके बताओ तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है, सेक्सी लोंडा। चलो जी इस पेट्रोल रूम से पेट्रोल भरवाया था शायद, एक बार हम आए थे ना नैनीताल और मुक्तेश्वर। अरे हाँ इस बार मुक्तेश्वर का भी प्लान बन रहा था, गए क्यों नहीं? अभी चल लो कैंप, बहुत बढ़िया मुक्तेश्वर कैंपिंग होती है, बहुत बढ़िया जुगाड़ है, देखते हैं। 1000 रुपए में पर पर्सन है, 1000-1100 रुपए उस टाइम हुआ था, पता नहीं कितने का उसमें, उस टाइम में 87 में थोड़ी गए होंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सही है, फिर तो कोई महंगा थोड़ी, और इतना बढ़िया साफ सुथरा कैंप। गाइस पहुंच गए हैं जो अपनी डेस्टिनेशन थी, अपना रिजॉर्ट था भाई, मैं शर्त हार गया अभी। आप मैंने बोला था 9:30 के बीच पहुंचेंगे और अभी टाइम हो रहा है 9:15 लेकिन फिर भी आपका 11 तो नहीं बजा ना भैया, तो 11 बता रहे। और बाकी कमेंट करके बताओ कैसा लगा व्लॉग, ठीक है मिलते हैं आपसे अगले पार्ट पे, अगला आगे वाली फन दिखाते हैं आपको, ठीक है बाय बाय।